सारी बुलडोजर की है, तो इसलिए आइडिया आ गया। अपने किराए की नहीं है, अपने पहले खरीदी, ट्रैक्टर खरीदा, तभी अभी अपना जुगाड़ बनाया। बुलडोजर अच्छा काम कर रहा है, हमारा बुलडोजर जब से आया है, जब से बीजेपी सरकार में चल रहा है। यूपी के अंदर सब कुछ कर दिया है। अगर रात के 5 बजे, सुबह शाम के 5 बजे के बाद में घरों में ताले लग जाते थे, अब पूरी पूरी रात और पूरा देश सुरक्षित है मोदी जी के राज में और योगी जी के राज में। अच्छा, हाँ जी, ऐसा क्या हुआ, जादू कर दिया क्या? नहीं हुआ है, बहू बेटी सब सुरक्षित है, पूरी पूरी रात घूम सकते हैं यूपी के अंदर। नहीं तो पहले 10 बजे के बाद में कांवड़ यात्रा ही बंद हो जाती थी, अब पूरी पूरी रात कांवड़िया चलते हैं डीजे के साथ में। पहले अखिलेश जी की सरकार थी, अखिलेश जी ने सभी डीजे और ये माइक बंद करवा दिए थे और डीजे ही ब्लॉक करवा दिए थे उसने, उसकी सरकार सबसे। विपक्षी नेता बोल रहे हैं योगी मोदी तो अनपढ़ है, अनपढ़ आदमी ना देश चला सकता ना राज्य चला सकता। अनपढ़ आदमी इतनी उच्च सरकार लेके चल रहा है, उनके राज में बताओ क्या था, सड़कों में ही खड्डे थे, बताओ क्या नहीं था। अब कावड़ निकाल रहे हो, खड्डे मिल रहे हैं कहीं? बिल्कुल भी नहीं। अगर बलडोजर के ऊपर गिलास टेक दो, गिलास भी सुरक्षित मिलेगा, जल का गिलास भी सुरक्षित मंदिर में जाएगा। अच्छा, हाँ जी जी, तो इतना सुधार मिल रहा है देखने को? बिल्कुल मिल रहा है जी। क्या कहेंगे, 2024 इलेक्शन आ रहा, तो इस चुनाव में कौन बाजी मारेगा? 101% मोदी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, देश के सीएम। अच्छा जी, ऐसा लोग क्यों बोलते हैं कि अभी मोदी योगी के राज में धर्म विशेष का अनदेखी किया जा रहा है, तो उनकी आबाद को कुचला जा रहा है और आप जैसे सनातन धर्मियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, प्रोत्साहन अलग से दिया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है? ये कुछ नहीं है, ये सभी ऐसे ही बोलते हैं। ये सोच रहे हैं कि सरकार बदलो, सरकार बदलने वाली नहीं है, ये कट्टर सरकार है, ये बदलने वाली नहीं है और नहीं बदलेगी। बदलेगी क्यों नहीं, सेकुलर सरकार होना चाहिए, सब धर्मों के बारे में बराबर सोचना चाहिए। नहीं, ये बताओ ना, जिस सरकार की उसमें सुरक्षा मिलती हो उसी को बनाओ ना, हमारी सुरक्षा ही नहीं होगी तो सरकार किस काम की है वो, ये बताओ जी। सुरक्षा मिल रही है? बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, मिल रही है सुरक्षा योगी मोदी के राज? बिल्कुल जी, हमारे मेरठ में तो बहुत सुविधा मिली हुई है, अच्छा काम काज बढ़िया चल रहा है इस टाइम, और हमारे मेरठ में मेट्रो भी तैयार हो चुकी है, तो उसकी वजह से सभी बेरोजगारों को काम मिलेगा वहाँ पर। हम मेरठ से आ रहे हैं। मेरठ से आ रहे हैं, अभी कितना समय और लगेगा पहुंच? अभी हमें 4 दिन लगेंगे, 4-5 दिन लगेंगे। कहाँ जाना है? हमें जाना है जी सकोती, दुराले के पास सकोती। अच्छा। हाँ जी, तो क्या कहेंगे मेरठ से आए हुए, आपका नाम क्या है? हमारा अनिल कश्यप नाम है जी। अनिल कश्यप जी, क्या ये मोदी की भक्ति है या भोलेनाथ की भक्ति है, योगी जी की भक्ति है? देखो, दोनों की भक्ति, सब सबकी भक्ति, पहले हमारे भोलेनाथ जी हैं, उसके बाद हमारी सरकार है, सरकार मजबूत है तो हम भी मजबूत हैं। भोलेनाथ की सरकार के बाद फिर मोदी सरकार है? नहीं, पहले भोलेनाथ जी, फिर मोदी सरकार जी। यही तो कह रहे हैं, भोलेनाथ के बाद ही है। जी जी जी, भोले बाबा दूसरी सरकार। हरिद्वार आई हमारी शादी में भी जाएगी, मैं ऑपरेटर हूँ, मैं ऑपरेटर हूँ इसका, अभी तो हरिद्वार आई मेरी शादी में भी जाएगी। आपकी शादी में भी आई बुलडोजर? एक नहीं, 6 जाएंगी, 6 बारात इसी पे निकले, 6 बारात बुलडोजर की। पक्का हमें बुलाओगे? पक्का, कवर करने आएंगे। हाँ जी, एक मिनट आपके पास ही आ रहा हूँ। तो अनिल जी, नाम तो सही ले रहा हूँ ना आपका? ये जो है प्रोत्साहन, ये भक्ति भाव आता कहाँ से? बस जी, अपने मन में आता है, अपने मन में, अपना जैसा देश चल रहा है, इसलिए हमारा मन में थोड़ा सा बदलाव आ गया। हम तो घुट घुट के मर रहे थे पहले, हमें पता ही नहीं था सरकार में हो क्या रहा है। 2014 से पहले वाली सरकार कैसी थी, तो घुट घुट के मार रही थी आप? देखो, हमारा विचार नहीं था, हमें काम पे ध्यान था, अब मोदी जी पे ध्यान है। मोदी जी पे ध्यान है, सरकार कैसे कर रही है? मोदी जी पे ध्यान नहीं, रोटी रोजगार पे भी ध्यान, सब ध्यान दे रहे हैं। आ रहा है रोटी रोजगार? हाँ, बुरा आ रहा है। समझ रहे, इतना बड़ा बुलडोजर खरीद लियो तो रोटी रोजगार तो 40 लाख का खरीदा बुलडोजर पहले जी। 40 लाख का बुलडोजर की डाक कवर बना के आप घुमा रहे हो? एक ट्रैक्टर भी हमारा 5 लाख का भी आगे निकल गया बारिश की वजह से। जी जी जी, तो ऐसा क्या है मोदी योगी में जो इतना समर्थन आप उनको कर रहे हैं? देखो, जो समर्थन ये कर रहे हैं, 2024 की सरकार बनाने के लिए पूरा ही पूरा देश पूरा तैयार है, 2024 के लिए पूरा भी तैयार है, तैयार है। लेकिन काम तो गिना दो, कोई काम ऐसे किए हो? काम बहुत कर रहे हैं, बहुत काम कर दिए, उनसे ज्यादा किसी ने करे भी नहीं है। पहले हम कभी भी आते थे हरिद्वार में, बहुत बदतमीजी होती थी कावड़ के साथ में, आज हम आए रास्ते, हमारा बुलडोजर हर की बेड के पास पहुंचा, इतनी सुविधा है, व्यवस्था है, और भोले बता देंगे। किसी ने हाथ नहीं दिया किसी? दूल्हे राजा, आपको तो मैं दूल्हे राजा कहूंगा, आप तो अपनी बरात भी बुलडोजर पे निकालोगे। तो ऐसा क्या कर दिया कि आजकल घोड़ों की जगह बुलडोजर पे बरात निकलने लगी? ये मेरी ख्वाहिश थी जो हरिद्वार मशीन आई है, ये मेरी राय से हरिद्वार ख्वाहिश से आई है बरात निकालने के लिए।
कोई भी क्षेत्र में ऑपरेटर हो तो हमसे आके मिले। कावड़ यात्रा में कितना आनंद आ रहा है, फुल मजा आ रहा है। सरकार और सिस्टम की व्यवस्था है कैसी? किसी ने हाथ नहीं दिया, बहुत पुलिस वाले मिले, किसी ने हाथ नहीं दिया हमें, किसी ने हाथ नहीं दिया, सहयोग मिल रहा है। व्यवस्था है, बहुत व्यवस्था है। हरिद्वार उत्तराखंड की बहुत 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 मैं आपकी तारीफ करता हूँ, बहुत ज्यादा। मैं तो 2 साल के बाद आया, पर लेकिन यही विचार था हमारा, बुलडोजर आएगा तो बुलडोजर में कावड़ लेके जाए। और भी बातों से हम बात करते हैं, क्या कहोगे? बुलडोजर कावड़ लेके आ रहा है अब, क्या कह रहा है? ठीक चल रहा है जी, हाँ जी, अच्छा चल रहा है जी, योगी का शासन आज अच्छा है, अच्छा है जी। अच्छा एक बात बताइए मुझे, विपक्ष बोलता था कि मंदिरों से रोजगार नहीं मिलता है, हरिद्वार में तो हम देख रहे हैं हर कोई अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है, कोई चने बेच रहा है, कोई लस्सी बेच रहा है, कोई समोसे बेच रहा है, तो क्या कहेंगे, मंदिरों से रोजगार मिलता है नहीं मिलता है? देखो मोदी जी ने भी पहले चाय बेची है जब वे इतने बड़े पद पर आए हैं। देखो ये तो रोजगार है, छोटा छोटा करेंगे जब ही बड़ा होएगा, जो छोटा करेंगे जब ही बड़ा होएगा, छोटे से बड़ा हो जाएगा। लेकिन आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या मंदिरों से रोजगार मिलेगा? राम मंदिर बन जाएगा तो मंदिर से रोजगार मिलेगा क्या लोगों को? मिलेगा। कैसे मिलेगा? मिलेगा उसमें, और हमारे गरीब भाई हैं, 100 नहीं तो 200 दुकान खोलेंगे, मिलेगा गरीब आदमी को ही मिलेगा, दुकान खुलेंगी तो रोजगार बीजेपी देगी। हरिद्वार में तो मिल रहा है, ऐसा हम साक्षात देख भी चुके हैं, हर गली गली में सैकड़ों दुकानें लगी, जहाँ तक जो आप कावड़ तैयार करके ला रहे हो वो बनाने वाले भी मुस्लिम। सही कर रहे हैं काम। सरकार कैसा काम कर रही है, योगी जी की सरकार कैसा काम कर रही है? उत्तराखंड की जो व्यवस्था है, आपको कोई दिक्कत हुई आने में? कोई दिक्कत नहीं हुई जी, कोई दिक्कत नहीं। आप यूपी से हैं, कितना सुरक्षित है यूपी योगी जी के राज में? बहुत ज़्यादा।